आप देख रहे हैं novhartimes.com, मैं हूं दीपक राय। इस समय हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में हैं। जो मध्य प्रदेश का विधानसभा का जो सत्र है, मानसून सत्र चल रहा है। यहां आज दूसरा दिन है सत्र के। दूसरे दिन जो सदन की कार्यवाही है काफ़ी गर्माहट भरी रही है। यहाँ पर जो गर्मजोशी का माहौल देखा गया है और लगातार दूसरे दिन ऐसा है जबकि सदन निर्विरोध रूप से चल रहा है। हालांकि आज ये हुआ कि एक बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। कांग्रेस के सदस्यों ने राहुल गांधी के बयान को लेकर बहिर्गमन किया। संसद का प्रश्नकाल निर्विवाद रूप से चलते रहा और जो स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने सदन को काफ़ी अच्छे से चलाया। उसके बाद ऐसे ही जो सदन चल रहा था उसके बाद भाजपा के सदस्यों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कल जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो आपत्तिजनक है। भाजपा के सदस्यों ने लगातार इस बात पर आपत्ति जताई कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जो बयान दिया है वो हिंदू समाज के प्रति दुर्भावनाग्रस्त है और इस बयान को वापस लेना चाहिए और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बयान सामने आते ही कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर आपत्ति ली और उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी हैं उनके बयान को जो भाजपा के सदस्यों के द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की है। लगातार हंगामा को देखते हुए जो स्पीकर हैं उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। जैसे ही दूसरी बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्नकाल के जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें लिया गया और उसके बाद जब ध्यानाकर्षण की बारी आई तो सबसे प्रमुख मुद्दा जो कि इन दिनों काफ़ी छाया हुआ है, मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग घोटाले की जांच हाईकोर्ट में चल रही है उसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि इस पर चर्चा कराई जाए। कल ये प्रस्ताव दिया गया था जिसे कि विधानसभा में स्वीकार कर लिया गया और आज इस विषय पर चर्चा कराई गई। अलग अलग नेताओं को इसके लिए जो ध्यानाकर्षण मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया। हेमंत कटारे जो कि विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद जयवर्धन सिंह हैं उन्होंने अपनी बात रखी है और लखन घनघोरिया ने अपनी बात रखी। इसके बाद लगातार जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो है विधानसभा में जो नर्सिंग घोटाला है और उसके मामलों को लेकर जो अनियमितताएँ हैं, नर्सिंग काउंसिल की जो अनियमितताएँ हैं उसको लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा हुई और जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जो सरकार है 2019 के बाद जो कोरोना का समय था मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई और 200 से अधिक जो नर्सिंग कॉलेज खोले गए उसमें घोटाला किया गया है। लगातार इस मामले पर जो हैं जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के विधायकों ने लगातार जो पूर्व मंत्री मेडिकल एजुकेशन मंत्री रह चुके हैं विश्वास सारंग, उन पर लगातार हमला किया कि यह घोटाला उनकी सह पर हुआ है। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तथ्य प्रस्तुत किए और इस दौरान कई बार हंगामे की स्थिति बनी। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कई बार इस पर आपत्ति ली कि विधानसभा में लगातार जो ध्यानाकर्षण के मुद्दे हैं उसको लेकर भटकाव किया जा रहा है और जो ध्यानाकर्षण का मूल विषय है उसे छोड़कर यहाँ पर विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो है भाषण दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा में इसको लेकर लगातार चर्चा चलती रही और स्पीकर ने सभी सदस्यों को बोलने का बेहतर मौका दिया। अब जबकि कांग्रेस के सदस्यों ने ये नर्सिंग मामले को लेकर आपत्ति जताई है और अपने सवाल पूछे हैं तो अब जब जवाब देने की जो बात है वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। सरकार के मंत्री हैं वो जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो मामला है नर्सिंग में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और जो मामला है हाईकोर्ट की जाँच में है। हाईकोर्ट जो है ऑलरेडी इस मामले की जाँच कर रहा है और नर्सिंग मामले में जिन्होंने लापरवाही की है उन पर कार्रवाई भी की जा चुकी है और अभी जो हाईकोर्ट अगर कोर्ट जो आदेश देता है निर्देश देता है उसका पालन किया जाएगा। ऐसे में जो कांग्रेस है वो झूठे आरोप ना लगाए और अपने जो अनर्गल आरोप हैं उनसे बचे। विधानसभा में आज जो मानसून सत्र है उसका दूसरा दिन है और काफ़ी कार्रवाई चली, देर तक जो है विधानसभा की कार्रवाई जारी रही है। हम आपको बता दें कि जो नर्सिंग का मामला है वो काफ़ी देर तक छाया रहा और सदन में जो वर्तमान में मंत्री हैं और पूर्व में मेडिकल एजुकेशन मंत्री थे विश्वास सारंग वो भी मौजूद रहे, लेकिन लगातार जो व्यवधान के बीच में भी और शांतिपूर्वक भी इस मामले पर चर्चा हुई। सरकार ने सारे आरोपों को नकार दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने सदन के बाहर भी इस बात को कहा है कि यहाँ बहुत बड़ा मेडिकल घोटाला हुआ है। सदन की कार्रवाई और सदन के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में जो है घोटाले का चलन बन गया है। पहले व्यापम घोटाला हुआ था, अब नर्सिंग घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश में कहीं भर्ती घोटाला होता है तो कभी परीक्षा का घोटाला होता है, लेकिन इस सब मामले में लाखों युवाओं के साथ नुकसान होता है। विधानसभा से आप देख रहे थे दीपक राय की रिपोर्ट।